وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب। अल्लाह का पाक कलाम पढ़िए, किस तरह अल्लाह की अजमत, उसका इक्तदार, उसकी शान हुकूमत और उसका गलबो इक्तदार बयान किया जा रहा है कि तमाम शहीशाहों का शहीशाह अल्लाह है और तमाम इख्तियार और इक्तदार उसके दस्त कुदरत में है, इज्जत और जिल्लत के पैमाने उसके पास हैं, किसको इक्तदार देना है और किससे इक्तदार लेना है ये अल्लाह का फैसला है। दिन रात के निजाम पर उसकी हुकूमत है, चांद सूरज के निजाम पर उसकी हुकूमत है, कायनात का जर्रा जर्रा उसके अम्र और उसके हुक्म का मोहताज है। मेरे भाई, अल्लाह ताला साफ ऐलान फरमा रहा है कि हराम माल से की जाने वाली इबादतें अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। वक्फ जायदादों के सिलसिले में मुसलमानों का रवैया भी नहायत नाजेबा रहा है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि वक्फ जायदादों के सिलसिले में उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे मुल्क में वक्फ एक्ट बनाया गया। 1995 से ये वक्फ का कानून चला रहा है, उससे पहले भी ये कानून था, लेकिन अभी जो मौजूदा कानून है वक्फ एक्ट का वो 1995 का है और उसमें 2010 में फिर 2013 में तरमीम की गई और अब हुकूमत वक्त ने 2024 में वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया पार्लियामेंट में, जो अगरचे के मंजूर नहीं हो सका और उसको जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को भेजा गया, लेकिन ये वक्फ तरमीमी बिल औकाफ के सिलसिले में नहायत मुजर है। हम हुकूमत पर अपनी राय वाजे कर चुके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस मुल्क के तमाम मुसलमानों का सबसे बड़ा मुत्तहिदा मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, उसने अपनी राय पूरे मुल्क के सामने, अवाम के सामने, खवास के सामने, हुकूमत के सामने, माहिरीन कानून के सामने, जेपीसी के सामने अपनी राय पेश कर दी, अपना स्टैंड और मौकफ वाजे कर दिया कि वक्फ तरमीमी बिल की कोई ज़रूरत नहीं है और उसके मशमूलात ऐसे हैं जिससे वक्फ जायदादों को ख़तरा हो जाएगा। कलेक्टर को अगर इख्तियार दिया जाएगा कि वो फैसला करे कि ये वक्फ की जायदाद है या सरकारी मिल्कियत, तो नहायत दर्जा दुश्वारियाँ पेश आएंगी। अगर ये कहा जाएगा कि सारी वक्फ जायदादों को 6 महीने में इंदराज कराना होगा जैसा कि इस वक्फ तरमीमी बिल में है, तो जो जो कब्रस्तान या जो दरगाहें या जो मस्जिदें या जो इमाम बारगाहें 400 साल, 500 साल, 600 साल पुरानी हैं और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो कहाँ से इंदराज करा सकेंगे? वक्फ बाय यूज़र इस वक्फ एक्ट, इस वक्फ तरमीमी बिल में ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ एक्ट में ये बात है कि इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ को माना जाएगा और आज तक माना जा रहा है। मान लीजिए कि 500 साल पुरानी उदगीर में कोई मस्जिद हो और वहाँ नमाज हो रही है, इबादत हो रही है, खैर के काम हो रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये मस्जिद है इसलिए कि इस्तेमाल उसका वक्फ की जायदाद का, वक्फ की ज़मीन का बंदगी में, इबादत में, खैर के कामों में हो रहा है, 500 साल से यहाँ मस्जिद है। अगर आधा पुर्जा भी, एक कागज़ भी मौजूद नहीं है तब भी उस जगह को वक्फ माना जाएगा इसलिए कि वो वक्फ की के मसरफ में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये बात है कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप दस्तावेज़ बताएं, कागज़ बताएं, अगर आपके पास कागज़ है तब तो ये वक्फ की ज़मीन है और अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप चाहे 600 साल से नमाज पढ़ रहे हो, 600 साल से ये दरगाह हो, 700 साल से ये यतीम खाना हो, हम इसको नहीं मानने वाले। आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे किस कदर दुश्वारियाँ पैदा हो जाएंगी और मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, वक्फ शुदा इदारों के लिए, वक्फ शुदा जायदादों के लिए कितना ख़तरा पैदा होगा। कब्रस्तान है मुसलमान आबादी में, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं, दरगाहें हैं,